हैवेल्स जूलियन में भी उन्होंने 1.5 पहले पेट्रोल वेरिएंट आता था, तो इसके अंदर उन्होंने भी HEV हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी लॉन्च कर दी है। तो देखें तो कंपेटर इसके जो कंपेटर हैं आप देखें टूसॉन स्पोर्टेज और MG के मुकाबले में गाड़ी निकाली गई है। तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं काफ़ी इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं जो दूसरी गाड़ी से यूनिक लगते हैं। बात की जाए इसके अंदर 15 cc हाइब्रिड इंजन आता है और इसकी प्राइस की बात करें 93 लाख के बजट में गाड़ी आती है। तो इसके इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं आज दूसरी गाड़ी से डिफरेंट, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी जो ग्रिल है मेन ह्यूज ग्रिल है जो पियानो ब्लैक कलर में और डोटेड नुमान सिल्वर रंग की पट्टी लाजमी रहेगी। हैवेल की बैजिंग नज़र आएगी आपको और क्रोम रंग की पूरी लाइन आपको पूरे फ्रंट जो आप ग्रिल कह रहे हो उसके साथ जाती नज़र आएगी आपको। बात की जाए इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलेगी टेट्रा प्रोजेक्टर LED लाइट नज़र आएगी और ये इसके DRL लाइट्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट होकर गाड़ी के बम्पर तक जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। और ये जो वेरिएंट है ना हाइब्रिड वेरिएंट उसमें ही लॉन्च किया गया है, उस साथ में आपको DRL लाइट्स बड़े लाइनिंग नुमा कट्स नुमा आपको नज़र आएंगे जो बहुत खूबसूरत करते हैं। नीचे आएंगे तो आप सिल्वर रंग की लाइनिंग नज़र आएगी और डिफ्यूज़र इसका आपको ग्रे कलर की कम्बिनेशन का नज़र आएगा और फ्रंट में देखेंगे तो आपको फ्रंट कैमरा भी नज़र आएगा। और ओवरऑल इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो 1.5 जो पेट्रोल है उससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें आपको यहाँ पे DRL लाइट्स देखने नज़र नहीं आती, वो सिंपल उसकी लाइट थी और स्पेशली जो इसकी लाइट्स के अंदर आपको देखेंगे ब्लू रंग का शेड भी दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील नज़र आएंगे जो डुअल टोन में है पियानो ब्लैक कलर में और सिल्वर रंग के आपको नज़र आएंगे जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में न्यू जो एडिशन है ना हाइब्रिड वेरिएंट में उन्होंने रिम भी स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया। और क्योंकि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है HEV है तो इसकी आपको बैजिंग फेंडर पर नज़र लाजमी आएगी। रिट्रैक्टिव मिरर हैं और आपको 360 कैमरा और टर्निंग इंटी लाजमी नज़र आएंगे। साइड मिरर में आपको कार सेंस करने के सेंसर भी दिए गए हैं आपको नज़र आ रहा होगा। स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी है और बात करिए इसके अंदर स्मार्ट एंट्री दी गई है और आपको ये पट्टी क्रोम रंग की पट्टी सिल्वर रंग की पट्टी आपको जाती हुई मिरर के साथ लाजमी नज़र आएगी। बात की जाए रूफ़ के अंदर तो रूफ के अंदर इन्होंने आपको सनरूफ नहीं पैनोरमिक सनरूफ दिया हुआ है और ये इसकी साइड प्रोफाइल है। रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने पहले बताया ये हाइब्रिड वेरिएंट है तो सबसे पहले इसकी लाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर LED प्लस लावा लाइट्स दी गई हैं और GWM की बैजिंग है इसके अंदर, हैवल की बैजिंग मेंशन है और साथ में आपको जूलियन है स्पेशली जूलियन हैवल में तो HEV हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसके आपको बैक पर आपको बैजिंग भी देखने नज़र आएगी। नीचे आएंगे आपको पार्किंग सेंसर नज़र आएगा बम्पर के अंदर और नीचे जो इसका डिफ्यूज़र है बहुत ही खूबसूरत डिफ्यूज़र जो डार्क ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है और क्रोम रंग की पट्टी भी लाजमी जाती नज़र आएगी और ये आपको रिफ्लेक्ट नज़र आएंगे और मिडल में आपको एक स्पॉट मार लाइट नज़र आएगी। ये मेन पर्पस लाइट का फोक में काम आती है कि इसकी रोशनी ज़्यादा होती है। और ऊपर देखेंगे ज्वेलर में आपको मिरर में आपको वेपन नज़र आएगा, हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और शार्क एंटीना नज़र आएगा और देखा जाए इसके अंदर आपको देखने में स्पॉइलर भी नज़र आएगा। ट्रंक स्पेस की बात करें तो इसके अंदर मैनुअल ट्रंक आता है, ये इसका ट्रंक है और ट्रंक में स्पेस यानी कि गाड़ी की लेंथ वाइज नॉर्मल स्पेस है और ये इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, ये इसके अंदर पेंचर लगाने के लिए किट दी गई है। और इसका जो ट्रंक है बैग वो ऑटो नहीं है मैनुअल है, हाथ से बंद करते हैं ये ट्रंक इसका। गाड़ी की रियर सीट्स पे फीचर्स की बात करें तो आपको ये ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ देते हैं और डोर हैंडल में आपको क्रोम की पट्टी नज़र आएगी, हार्ड प्लास्टिक प्लस ब्लैक लेदर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दी गई है। लेदर के अंदर आपको वाइट रंग की स्टिचेस लाजमी नज़र आएंगी। जो इसके मिरर हैं वो ऑटो मिरर हैं, चारों मिरर इसके ऑटो हैं और मैट फिनिशिंग का भी टच लाजमी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको स्पीकर देखने नज़र आएंगे हैवल के और कोल्डिंग के लिए स्पेस दी गई है। और सीट्स में देखेंगे रियर में तो आपको ये गाड़ी की सीट भी पीछे है तो आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं काफ़ी लेग स्पेस है। और सेंटर में आएंगे तो आपको AC की वेंट नज़र आएंगे, चार्जिंग की दो स्लॉट्स नज़र आएंगी आपको और गाड़ी के अंदर देखा जाए तो लाइट है, ये देखें साइड पे इसके आपको LED लाइट देखने नज़र आएगी। रूफ़ के इसके अंदर जो आपको ब्लैक के साथ ग्रे का कम्बिनेशन दिया गया, लाइट ग्रे का कम्बिनेशन है तो इसके अंदर पैनोरमिक सनरूफ दिया गया तो 3 लोग इसके अंदर बैठ कर आराम से लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के मेन इंटीरियर की तरफ। ये गाड़ी का रिमोट है और ये स्मार्ट एंट्री के साथ गाड़ी आती है। डोर में देखेंगे आपको ट्विटर्स नज़र आएंगे, सिल्वर रंग के डोर हैंडल हैंडल नज़र आएंगे, लॉक अनलॉक का ऑप्शन नज़र आएगा, हार्ड प्लास्टिक के साथ साथ आपको ये बहुत खूबसूरत
यानी कि मैट फिनिशिंग में यानी कि शाइन कर रहा है ये नज़र आएगा, लेदर पैकिंग नज़र आएगा। फिर बता रहा हूँ आपको मैं कि वाइट रंग की स्विचेज लेदर में नज़र आएगी। स्पेस के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस दी गई है, स्पीकर दिए गए हैं, और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सीट्स में देखेंगे तो आपको ये आपको इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं, और इसके अंदर ब्लैक सीट्स के ब्लैक लेदर पैकिंग के साथ दी गई हैं, और इसके अंदर आपको वाइट रंग की स्विचेज लाजमी नज़र आएंगी। अब चलते हैं गाड़ी के स्टार्टअप की तरफ, और ये है गाड़ी का स्टार्टअप। और मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 7 इंच की LED मीटर नज़र आएगा। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, और साथ में आपको फ्यूल की एज नज़र आएगी, और साथ में आपको इसकी हीट और कूल की लेफ्ट साइड में नज़र आएगी। स्टेरिंग में देखें मल्टीमीटर इसका स्टेरिंग है, यहाँ से आप इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। हैवल की बैजिंग है, इसके अंदर आपको एयरबैग के ऑप्शन मिलेंगे, 6 एयरबैग दिए गए हैं। और इसके आप स्टेरिंग में आपको वाइट रंग की चीज़ लाजमी नज़र आएंगी, और सिल्वर रंग का टच लाजमी नज़र दिया गया जो पूरे स्टेरिंग में है, और बहुत ही सॉफ्ट इसका स्टेरिंग है, और हाइब्रिड वेरिएंट है। एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, और इस हेडअप डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हेडअप डिस्प्ले भी है, जो तमाम ये देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जो 0 लिखा हुआ है। तो सेंटर कंसोल में देखेंगे तो 12 इंच का इसके अंदर आपको इंटरनेट सिस्टम नज़र आएगा, और आप इसके अंदर सेटिंग यहाँ से सारे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। AC का कंट्रोल सारा इसके अंदर दिया गया, जो बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट टच है। बात की जाए अब अगर AC की आपने कंट्रोल करना है, तो आप AC को सेंटर कंसोल में भी मैनुअल टच कर दीजिए, ये ऑफ ये ऑन। सारा फ्रंट का भी आप सारा सिस्टम इसके पार्किंग, अगर आप रियर पे इसके पार्किंग सेंसर हैं वो भी ऑफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप पार्किंग से ऑफ कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में आपको देखने को हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, क्रोमियम की पट्टी आती है, और ब्लैक लेदर पैकेज दिया गया जो बहुत ही सॉफ्ट है। इसके अंदर 2 इंटीरियर आते हैं, बीच और ब्लैक। ये ब्लैक इंटीरियर है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ब्लैक मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा है। डिस्प्ले इसका 12 इंच का इसका डिस्प्ले है, एंटरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, AC को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसके मैनुअल एडजस्टमेंट भी दी गई है, और साथ में आपको लेदर का वाइट रंग की स्टिचेज लाजमी नज़र आएंगी। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर डिटैचमेंट स्पेस है, काफ़ी स्मूथ स्पेस है, और काफ़ी इनफ स्पेस है इसके अंदर। और देखा जाए तो अगर आप इसके सेंटर कंसोल में नीचे हैं तो AC के वेंट्स हैं, और ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है, और ये गेयर नॉच है। पार्किंग रिवर्स और न्यूट्रल और ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। ये जो सिस्टम है आपको एक कार्बन फाइबर का टच देता है, लेकिन कार्बन फाइबर है नहीं, लेकिन बहुत स्मूथ है। पार्किंग सिस्टम है, ऑटो होल्डिंग ब्रेक सिस्टम दिया गया है, कप होल्ड इसके अंदर स्पेस के लिए। और बात की जाए आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। रूम में देखेंगे तो ऑटो डिम मिरर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये लाइट के एडजस्टमेंट है रूफ के अंदर, और ये आपको ग्लासेस रखने के लिए स्पेस दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको पैनोरामिक सनरूफ नज़र आएगा, और देखेंगे सनवाइजर में आपको मिरर के साथ साथ लाइट देखने को नज़र आएगी। और स्पेशली जो इसके मीटर की एडजस्टमेंट है ना, वो डिजिटल मीटर है इसके अंदर। मीटर के जहाँ पहले जो एनालॉग स्टाइल में इसका मीटर है, मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर एनालॉग स्टाइल इसका मीटर है, और ये इसकी हीट और कूल की एडजस्टमेंट है। ये पेट्रोल की गेज है, और इसके जो अंदर आपको स्पेशली हेडअप डिस्प्ले भी नज़र आएगा, जिसकी सारी फीचर आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आएंगी। नीचे जो स्पेस दी गई उसमें आपको चार्जिंग के लिए स्लॉट, USB स्लॉट भी देखने नज़र आएंगे। स्टीयरिंग की राइट साइड देखेंगे ऑटो ट्रैक्शन ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है, फ्रंट लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट दी गई है, और आपको AC के वेंट्स के साथ साथ ऊपर आपको क्रोमियम की पट्टी लाजमी नज़र आएगी। डोर में आपको पहले बताया कि इसके अंदर ट्विटर भी दिए गए हैं, और इसके जो लॉक अनलॉक सिस्टम है आपको डोर के अंदर ही दिया गया है। डोर में देखेंगे तो आपको चारों डोर इसके ऑटो नज़र आएंगे, और साइड मिरर की एडजस्टमेंट यहाँ से दी गई है। ड्यूलैंड हाइब्रिड HEV में आपको 1.5 सिंपल इंजन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर बात की जाए इसकी पावर की, तो इसके अंदर 190 इसकी हॉर्स पावर है, और 375 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया। और बोनट के अंदर देखेंगे तो आपको एक फैब्रिक की शीट नज़र आएगी। इसका ये मकसद होता है कि इंजन का साउंड कैबिन के अंदर ना जा सके गाड़ी के अंदर। जूलियन 1.5 HEV हाइब्रिड की इंटीरियर एक्सटीरियर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। गर्मी बहुत है, गर्मी कम होने का नाम ले ही दे रही, लेकिन देखें काफ़ी इन्हें पसीना आ रहा है। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बनाता हूँ। तो बात करें इंटीरियर एक्सटीरियर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, तो गाड़ी के अंदर काफ़ी फीचर है जो मेरे मुताबिक इसका जो कंपेटिटर है ना टोयोटा क्रॉस, टुसॉन, स्पोर्टेज और MGHS जो है उसके साथ कंपैरिजन किया जाए ना, तो ये गाड़ी उनसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि गाड़ी आपके मुताबिक इतने प्राइस ब्रैकेट में 93 लाख की इसकी इनवॉइस है तो वर्थ इट है कि नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी यानी जूलियन 1.5 HEV वर्थ इट है, क्योंकि इसके कंपेरिजन अगर टोयोटा क्रॉस की बात करें वो 1.2 करोड़ की है, तो स्पोर्टी टुसॉन भी सेम है लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ है। इसकी ये है कि इसकी इन्होंने कहा है कि गाड़ी आप 1.5 इंजन के साथ आपको 20 किलोमीटर की एवरेज देगी,
तो काफ़ी यानी कि इनफ यानी कि एवरेज है, तो इतनी यानी कि पेट्रोल की 1.5 इंजन के साथ बड़ी गाड़ी भी है। तो दूसरी गाड़ी है टुसॉन, वो इतनी एवरेज नहीं देती यहाँ स्पोर्टी जो, तो इसके फ्यूल की एवरेज भी अच्छी उन्होंने बताई है। तो 94 की आपको गाड़ी राउंड पर पड़ जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो और मैं नेक्स्ट कौन सी गाड़ी की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना भूलिएगा। तो आपने अपनी इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने सामान में रखे। अल्लाह हाफिज़।